वेलकम टू मे बी द लास्ट एपिसोड ऑफ ग्लोबल पंथ ऑफ दिस ईयर. अभी तक 14 या 15 एपिसोड हो गए हैं. हम पिछले 7 दिन में हम बस एपिसोड रिकॉर्ड ही करते आ रहे हैं और ये आखिरी दिन है. मेरी फ्लाइट है 2 घंटे में और आखिरी जाने से पहले आई एम एट द मैच. सो आई एम एट द स्टेडियम टू वॉच अ मैच राइट बिफोर लीविंग फॉर द फ्लाइट. अभी सेमीफाइनल चल रहा है बिटवीन वैंकूवर एंड मॉन्ट्रियल एंड हुएवर विंस गोज एंड मीट सारी इन द फाइनल. ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन अभी दी गई है बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट. कुछ समझ में नहीं आता कि कौन कहाँ है कैसे है. Today is a delight. One of my heroes growing up in cricket. I'm interviewing today. और हम यहाँ इतने तेजी गाड़ी चला के आए. He came running here and we are like, हाँ 12 मिनट मिलेगा, 15 मिनट मिलेगा वसीम अकरम के साथ. Ready to go. So thanks to Manmeet and Vinay who got us here on time. Very fun episode with वसीम अकरम. और crowd के बिल्कुल बीच में है तो पीछे आवाज़ वगैरह आ रही है. That's perfectly fine. Just enjoy it. It's a fun vibe. And again, keep watching GT20 highlights, etc., etc. If you want to see me do stand-up, details are popping up here. Ticket link is right here as well. Join our Telegram group for early releases. Enjoy this conversation with the legendary Wasim Akram. All right, welcome to the GT20, the Global Panth. This is a very important moment in my career as a human being. Achha. I'm meeting one of my top 5 cricketers of all time. पूरी रैंकिंग में अपने दिमाग में सोच के आया हूँ कि कौन है. एंड यू आर कौन है बाकी 4? नंबर 1 एमएस धोनी, नंबर 2 कपिल देव, नंबर 3 सचिन तेंदुलकर, नंबर 4 राहुल द्रविड़, एंड नंबर 5 चलो 5 में तो आया हूँ. मतलब एज अ इंडियन तो ऐसे लेके आई वाला एंड द ओनली नॉन इंडियन इन द टॉप 5. ओके, बिग फैन सर. तो अभी द माहौल हियर इज ग्रेट. मतलब कनाडा, यू प्लेड इन कनाडा बिफोर इन द फ्रेंडशिप कप, सहारा कप. बिल्कुल 5 साल खेले हैं हम. हां जी. और आई थिंक आपकी कैप्टनसी के अंदर आप लोग 3-2 जीते थे एंड ओवरऑल पाकिस्तान 187. तो एनी मेमोरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर सीरीज? इट वाज ग्रेट सीरीज. हमेशा मजा आता है इंडिया से खेलने में. ऑन द फील्ड राइवलरी होती है, ऑफ द फील्ड दोस्ती है, सबसे गप्पे लगती है शाम को. वो तो क्राउड थोड़ा पागल होता है, हम क्रिकेटर्स ठीक होते हैं. ठीक है, मैच के दौरान जान लग रही होती है, एक दूसरे पे अटैक भी कर रहे होते हैं वर्बली भी वैसे भी, बट मैच के जब मैच खत्म हुआ उसके बाद गप्पे. एक एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, एक जुबान है, एक खाना है, बाद में भूल के पता है परसों मैच है, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं. सो यू सी, यही बताना चाहता हूँ मैं इंडिया पाकिस्तान के लोगों को. ये हमारे जो 1-1 करोड़ न्यूज चैनल है दोनों मुल्कों में, उन्होंने भी अपनी दुकान चलानी होती है. Right. वो कह देते हैं एक जंग है. इट्स नॉट, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट. Somebody has to win, somebody has to lose. हम ये वेस्टर्न्स की तरह क्यों नहीं कर सकते? बैड लक यार, गुड लक द नेक्स्ट टाइम. असि 8 साल पुलते ही नहीं है कि तो आपको पता है 25 साल पहले मैच आ रहे थे. अबे क्या हो गया भाई, मैच था, गेम है. सो जरा रिलैक्स भी रखो लो जिंदगी में. और हम वैसे 25 साल पुराने मैच की बात कर रहे हैं. हमें तो आई थिंक उस टाइम पे मैं आई थिंक 16 साल का था, मैंने वो मैच देखा था और हमें बस वो आलू वाला याद है. यू टॉक अबाउट स्पेक्टेटर्स गोइंग मैड, तो वो सब तो हो ही रहा था वहां पर. आई एम श्योर देयर वाज लाइक, उस टाइम आई थिंक द रूल्स वर अ लिटिल मोर लीनिएंट फॉर स्पेक्टेटर्स. आर लीनिएंट थे. अब 12th मैन को बल्ला नहीं थे दे सकते फील्डिंग में. उसने जब बल्ला दिया ना इंजमाम को, मैंने कहा तुम लोग फील्डिंग कर रहे हैं, तुम बल्ला क्यों लेके चले गए हो? यानी उन्होंने मंगवाया था, मैंने वो चाकू मंगवाते हो, चाकू ले जाता तो कोई भी डिमांड ले लो. I wanted to ask you about another thing. मैंने एक कहानी सुनी है from Joy Bhattacharya, legend of KKR. Joy दादा. तो Joy दादा ने मुझे ये कहानी बताई कि आप nets में कोई KKR का batsman batting कर रहा था जी. और you were I think 43-47 at the time. 44. हाँ. 40, हाँ. तो आप उनको डाल रहे थे और Joy किसी ने आपको बोला कि भाई मत डालो, इसका वैसे भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, और फिर एक 43-year-old man is beating him. हाँ, मुझे वो Brandon ने कहा था, MC, good friend of mine, Brandon McCullough, said, Waz, don't bowl at me, please. I'm here to gain confidence. मैं वो लहदा बात 18 कदमों से कर रहा था. बट ये हल्की फुल्की स्विंग हो रही थी. तो या आई वाज गुड ओल्ड डेज. बड़ा एंजॉय किया मैंने KKR के साथ. IPL इंडिया में बड़ा एंजॉय किया मैंने. मेरे ज्यादा दोस्त इंडिया में थे, अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सकते, बट इंशाल्लाह आऊंगा जरूर शेयर करने. एब्सोल्युटली. अभी 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 तो मौका मिलने वाला है वर्ल्ड कप के टाइम पे, होपफुली. या बट आई विल बी वर्किंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम विद द स्पोर्ट्स. So we'll be doing pre and post games. Sir, A-Sports again, just मतलब it's I've seen every episode. मुझे बहुत मजा आता है सारी कहानियाँ सुनने में वहाँ पर. और एक आपने कहानी I think वकार यूनिस के बारे में बताई थी जब when you were batting at 257. Yeah, yeah, yeah. I think कई लोगों को मालूम नहीं था that you were very close to 300. Yes. तो मैं स्कोर कार्ड देख रहा था उसमें. सकलेन मुश्ताक played one of the greatest tail end knocks ever. Ever. 79 of 350. मतलब एक ODI match खुद खेल लिया उन्होंने. And then Vakar Yunus was 0 of 10 and last batter was 0 of 1. और उसको कहा था मैंने Vicky, इसका ball हल्का सा अंदर आ रहा है, तो जरा देख के खेलिए. Vicky being Vicky is very great sense of humor Vakar का. मेरा पॉइंट, तुसी नौ घंटे तो बैटिंग कर रहे हो, ये कैसे अंदर आ रहा है बॉल?
वो कह के वो चला गया उधर को, मैं अच्छा भाई वो पहली गेंद की ऐसे किया डंडा उड़ गया विकी का, फिर मुझे देखते गया देखते देखते के जाते वो कह गया सॉरी भाजन। बट वो पहली दफा मैंने कभी सोचा मेरे जेन में आया कि मैं 300 कर सकता हूँ, और वो फ्लूक भी नहीं हो सकता कुछ 9 घंटे बैटिंग की है, फ्लूक तो घंटे एक में लगता है ना। हाँ But second highest score by all-rounder after Gary Sobers. I don't know, but number 8 का highest score है अभी तक। हाँ, वो तो मैंने check किया। ये I've done very minimal research, but I've done research. ठीक है, ठीक है। I want to talk to you about some legends of Indian cricket who I think there's one underrated person जिसको लोग ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। And I am one of my personal favorite cricketers took 560 wickets for India. Javagal Srinath. Oh yeah. मतलब tremendous bowler and I think आप और वकार यूनिस का भी कुछ हाथ है in helping him and all that. I would love to know. नहीं, बड़ा जबरदस्त bowler था वो, उसकी pace भी थी, swing भी थी, reverse swing भी आते सीख गया था, यॉर्कर भी अच्छे करता था, और उसने कलकत्ता में पाकिस्तान के खिलाफ I think second inning में 8 out किए एक इनिंग में, और हर मैच में वो आउट करता था इंडिया से। बाकी वो बड़ा अंडर रेटेड रहा इंडिया में, जितना उसको अटेंशन मिलनी चाहिए थी इंडियन क्रिकेट में नहीं मिली उतनी, जितना वो बड़ा बॉलर था, नो डाउट अबाउट इट। तो आई नोटिस वन ट्रेंड बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल, पीएसएल में हर साल 9 नए फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं, आईपीएल में हर साल 9 नए ओपनर आ जाते हैं, सो इट्स लाइक नाइसली मैच्ड। बिल्कुल। तो व्हाट डू थिंक ऑफ, आई मीन आपने तो इसके बारे में काफी जिक्र किया अबाउट हाउ बॉलिंग विद द टेनिस बॉल एंड द टेप बॉल हेल्प फास्ट बॉलिंग, इज इट दैट या कुछ और भी है उसमें? यार आई थिंक इन द बिगिनिंग टेनिस बॉल से खेलते थे बच्चे थे जब, बट फर्क पड़ता होगा उससे आई सपोज इन अ वे, बट अगेन जब टॉप लेवल पे आते हो तो फिर आपकी मेहनत आपको आगे लेके जाती है, बॉलिंग करना नेट्स में। आजकल जो ये आई एम ऑल फॉर साइंस इन स्पोर्ट्स, यू नो के इसको सिर्फ 15 गेंदे कराओ, पर 15 गेंदे तो जिस्म खुलता है सिर्फ, उसके बाद आप वार्म अप होके बॉलिंग करते हो 4 से 5 ओवर पूरे रन अप से जोर लगा के, फिर आपके बॉलिंग मसल स्ट्रांग होते हैं। अगर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेरा कोच मुझे कहेगा 40 डिग्री में 5 चक्कर लगाओ, नहीं तो एसी के जिम में जाओ, मैं क्या पिक करूंगा? हाँ। एसी वाला जिम। हाँ। So, जिम इज ओके, जिम इज ओके टू 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 काइंड ऑफ इंडिविजुअल मसल्स के लिए। हाँ। या बॉडी बनानी है, बट बॉलिंग तेज करनी है तो आपको नेट में बॉलिंग करनी पड़ेगी लंबी। दिस इज एज सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस। ये तो आपके आपका मैं इतने सारे रिकॉर्ड्स क्रिकेट इन्फो में पढ़ रहा था, वन ऑफ द रिकॉर्ड्स इज की आई थिंक वन ऑफ द टॉप और मे बी द नंबर वन मोस्ट नंबर ऑफ ओवर्स बॉल्ड इन ओडीआई, 3000 ओवर डाले आपने, तो या इट्स अ क्रेजी क्रेजी अमाउंट। तो आई मीन दिस क्वेश्चन यू बीन आस्क्ड बिफोर अबाउट ब्रेकडाउन, मतलब बहुत ही फास्ट बॉलर्स के ब्रेकडाउन हो रहे हैं, इज इट बिकॉज़ ऑफ दिस और कुछ और रीजन? इट्स बिकॉज़ ऑफ 4 ओवर करते हैं, हाँ, करोड़ों रुपया मिल जाता है तो पागल हूँ मैं 5 दिन का मैच खेल लूंगा। मेरा मतलब है, अब देखो यंगस्टर्स को ये बताना है कि अगर आप लोगों ने पैसा तो बन जाएगा, मगर इफ यू वांट टू बी रिमेंबर एज अ ग्रेट ऑफ द गेम, एक वर्ल्ड रेकॉर्ड बने, आपका नाम उसमें आए दुनिया में, वो होती है ग्रेटनेस। राइट, मनी विल फॉलो, बट आई थिंक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा यंग जनरेशन का, इसका कसूर भी नहीं है। करेक्ट, कुछ T20 4 ओवर करने हैं, शॉर्ट फाइल लेग पकड़े हो जाओ, बल्ले बल्ले। तो अभी एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट बैस बॉल, अभी रिसेंटली न्यू टर्म इज कॉल्ड बैस बॉल, पैक बॉल, कोई मैच जो नकल ही करते रहना, कोई अपनी नई नई गल ना करना। कॉपी है या नहीं, पर ये आजम खान से मैं बात कर रहा था अबाउट लाइक अबाउट पाकिस्तानी पिचेस एंड लाइक इतनी फ्लैट होती है पिचेस, पर आपके टाइम पे इतनी फ्लैट नहीं थी, तो इज इट बॉल थी हमारे, इतनी फ्लैट थी। हां अच्छा, बट यू बट हाउ डिड यू काउंटर इट? इट्स लाइक जस्ट हम आगे जोर आगे लगाते थे, पेस बढ़ती जोर आगे लगाओ। हां, और हम विक्टो और लेग बिफोर का करते थे ज्यादा, स्लिपों वाले में भरोसा नहीं था हमें, वहां से आवाज आती थी सॉरी पाइन नजर नहीं आया। सीरियसली अच्छा, हां ये आवाज आती, मतलब आप साइड स्क्रीन हो, हां कुछ दिखाई नजर नहीं आया। तो ये तो आई थिंक कई लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया, योर एवरेज बॉलिंग एवरेज अक्रॉस द बोर्ड लाइक 20, 21, 22, और कई लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान एंड कॉट मोर कैचेस वुड हैव बीन अबाउट 2 or 3। तो बट यही था कि व्हाई वाज सो मेनी कैचेस बीइंग ड्रॉप्ड इन द एरा। आई सपोज स्लिप कॉर्डन में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, यू नो आप फर्स्ट क्लास से शुरू हो, स्लिप में कोई आप रैंडम को नहीं खड़ा कर सकते। करेक्ट, हमारे यूजली बैट्समैन होते हैं, हमारे आधे बैट्समैन कहते हैं मैंने स्लिप में फील्डिंग ही नहीं की कभी जिंदगी में। अच्छा, मैं कहा वेल डन, चलो जाओ बिंगो, आई मीन क्रिसमस, मतलब तुमने नहीं की तो क्या फिर मैं करूंगा फील्डिंग स्लिप में जाके। हम खड़े हुए स्लिप में, फिर गली में मैं खड़ा होता था, स्लिप में होता था, एक दो फील्डर बहुत अच्छे थे, इंजमाम वाज वेरी गुड इन स्लिप, इजाज गली में ठीक था, बट कोई एक नाम नहीं आता हमारे दौर में जो कि you know, पता हो कि इसके पास कैच जाना निकलना नहीं है। Maybe in Zamama, if I have to say one name. Yeah, and also now again the standards of fielding have gone up everywhere. Like Pakistan ki PSL. Fitness के साथ. Fielding is all about fitness. Right. Bowling में talent चाहिए, batting में talent चाहिए, fielding सिर्फ करने से आएगी।
करेक्ट, जितनी करोगे इंप्रूव होगी। Yeah. अच्छा तो नाउ ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप इज कमिंग अप, अभी सबके सब जिससे भी मैंने बात की एवरीबॉडी सेइंग पाकिस्तान हैज अ स्ट्रांगेस्ट बॉलिंग अटैक, डू यू एग्री विद दैट? एंड आल्सो अगर ये वर्ल्ड कप में अगर जीतना तो एंड में बॉलर्स ही जिताएंगे, नो डाउट। तो हु डू यू थिंक आर द टॉप 3 बॉलिंग अटैक्स दैट यू सी वेयर लाइक भाई इनमें कुछ है? देखो अब पिचेस पर डिपेंड करता है, इंडिया की पिचेस का हमें पता है बैटिंग फ्रेंडली है, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस मोस्टली, सो टीमें वो जीतेंगी जिनकी बॉलिंग अच्छी होगी, जो विकेट ले पाएंगे। पाकिस्तान इज राइट टॉप देयर विद शाहीन, हारिस, नसीम एंड देन वी हैव शादाब, वी हैव वेरी गुड स्पिनर्स एंड गुड बैटिंग एज वेल। एंड इंडिया की बॉलिंग का अब बुमराह पता नहीं फिट होता नहीं होता, होगा भी तो उसको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी वर्ल्ड कप से पहले काफी। वर्ल्ड कप तो अब अक्टूबर में शुरू होने वाला है ना, सो मैंने उनको देखा बॉलिंग करते हुए, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर रहे हैं, वो है सिराज है, शामी है, बॉलिंग इंडिया की भी अच्छी है, स्पिनर्स में जडेजा है, अश्विन है, सो वेरी गुड बॉलिंग। और बैटिंग है तो पता है इंडिया की बैटिंग तो हमेशा से टॉप पे रही, ऑस्ट्रेलियन की फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, इंग्लैंड बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स, न्यूजीलैंड हर वर्ल्ड कप पे कहीं ना कहीं से आगे आ जाता है, इंडिया को अपसेट करके निकल जाता है, या पाकिस्तान किसी को अपसेट करके निकल जाता है। दीस टीम्स विल डू वेल। अभी देयर बी सो मेनी शेड्यूल चेंजेस कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आज फिर कर रहे हैं शेड्यूल। आई थिंक अभी ये इंडिया पाकिस्तान वाला मैच, आई थिंक एक दिन और वो भी हुआ है, फिर एक और मैच का आज मैं पढ़ रहा था, बांग्लादेश वाला, कोई रिलीजियस आपका कुछ आ रहा है उसके लिए चेंज करना चाह रहे हैं। Did all this happen in your time also, कि बदलते रहता schedule कि ये अभी हो रहा है? हमारे में कोई भी festival हो, कुछ भी होता था, हमारा भी किसी का भी एक schedule बन गया, then that's it. That's what I, that's, ये मुझे इतना याद है, maybe I'm wrong, but that's what I remember. Okay, I want to ask you that, like, I have not seen any bowler like you ever. Like, इतने, like, short run up, bowling that fast, etc. Like, you generated pace from shoulder, कि कहां से आता है? हाँ, shoulder. मेरा shoulder लगता था, jump नहीं थी मेरी. मैं स्किट थ्रू करता था मोस्टली क्विक आर्म एक्शन एंड शोल्डर, उसमें उसके उससे अपेरेंटली मैं लगता नहीं था तेज, बट स्किट मेरा ज्यादा होता था, बॉल कुछ नेचुरल भी था, कुछ ऊपर वाले का शायद कुछ गिफ्ट था मे बी, बट आई वर्क हार्ड ऑन इट। अपने आप को लोग टैलेंट तो थोड़ी देर ही रहता है ना, करेक्ट, टू प्रोलॉन्ग दैट टैलेंट यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई लर्न फ्रॉम द ग्रेट मियां दा खान, उदासन नजर, इन लोगों ने बड़ा बड़ा समझाया। वाइब्स चालू हो गई है स्टेडियम में, ये इसी के लिए आए हम लोग यहाँ पर, थोड़ा गेम थोड़ा गेम क्लोज हो रहा है। अभी मैंने वैसे ये पहला गेम मैं देख रहा हूँ, मैं बस एक होटल में बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था भाई, अभी आई थिंक आपका 15 वाला है, तो आई वाज लाइक अरे वसीम अकरम से मिलना है मेरे को, पहले मैं दौड़ के आया, मेरा चेकआउट डेट चला था, नहीं वसीम भाई वी हैव टू डू दिस। Who are the fast bowlers that you look at in world cricket right now? You are like, अरे मजा आ गया देख के। देखो शाहीन अफरीदी का मजा। अरे ऑफ कोर्स। नए गेंद से जो आउट करते हैं ना, पता भी है बैट्समैन को, इसने आगे करना है, यॉर्कर होना है, बट इज अ स्पेशल टैलेंट, और उसका लेट स्विंग होता है, इसलिए वो फंसाता है बैट्समैन को। कभी हंड्रेड्स में भी वो इंग्लैंड में जो हो रहे हैं उसमें भी हर ओवर में पहले में दो आउट होते हैं, करेक्ट, सो ही इज फिनोमिनल एंड ही इज ओनली 21-22, अभी तो उसका स्टार्ट हुआ है, वो आगे लंबा जाएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, उसने थोड़ी बैटिंग भी अपनी इंप्रूव की है, लॉर्ड कलंदर को दो दफा उसने एज अ कैप्टन एसएल भी जिताया है, सो ही इज गॉट एवरी बॉक्स टिक। Yeah, I like what bowling. Oh, I mean, India के साथ खेलता है तो थोड़ी nervousness होती है. हाँ, which makes him a great bowler, right? Like, हाँ, this is amazing to watch. Like अभी Ashes में Boland had a great record against England, और England ने बस एक चीज की, they just started batting a little ahead. पर is that a solution? Like मतलब आपके साथ I'm sure किसी ने ऐसा कुछ try किया होगा, like नहीं ये ले bouncer. हाँ, bouncer तो must है, उसके बगैर fast bowler का फायदा कुछ नहीं है. ठीक है, तब इस T20 की वजह से क्रिकेट तेज हो गई है, इंटरेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग हो गई है, अनलेस आप पाकिस्तान में खेलो, डेढ़ जी विकेट बना के पांचवें दिन की आखिरी गेंद पे ड्रॉ हो जाता है, सो वही पाकिस्तान टीम को मैं कहता हूँ, मेरा मैसेज ये होता है कि देखो जब जीतने जाओगे ना उसमें हार भी जाओगे, इट्स ओके, पाकिस्तानी क्राउड फैंस विल अंडरस्टैंड, पॉजिटिव माइंडसेट है, अगर डेड विकेट बना के स्लो विकेट बना के उसमें हारोगे तो आपको डबल क्रिटिसिज्म होगा, सो आई होप दीज यंग बॉयज हैव लर्न कि लेट्स गो फॉर अ विन, इन अ प्रोसेस हार जाएंगे, नॉट अ बिग डील। So I'm a big fan of fast bowlers because मैं जब छोटा था, that was the only thing I could do well. Okay. I mean, and rubber ball के साथ खेलता था, it was very enjoyable. मैं मोटा था, I used to come and I'm like, I'll be Wasim, I'll be Wakar, I'll be Darren Gough एक था. But now I've been noticing like especially ODI cricket में वो ball change कर देते हैं. So I would love to know कि what do you think about this ball change because reverse swing is out of the question. Ball change तब कब नहीं होगा? पहले था कि 34 over बाद कर देते थे. हाँ. अब ये है कि दो नए गेंद. अच्छा हाँ. But हमारे दौर में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में दो नए गेंद लगते थे. अच्छा. World Cup 92 में दो नए गेंद थे. अच्छा okay. ये कोई नई चीज नहीं आई. अच्छा.
यू जस्ट हैव टू लुक आफ्टर द बॉल, किस एंड से रिवर्स होना है, उस तरीके से आपने, ये टीम की कोऑर्डिनेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है कि यार उस साइड से हल्का सा रिवर्सिंग हो रहा है, लेट्स लुक आफ्टर द बॉल। यहाँ पे मेरे ख्याल में इतनी इतनी आजकल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते नहीं है लोग, मेरे ख्याल में बोलो। ये तो आई थिंक आपने कहीं मेंशन किया था कि यू हैव टू रियली लुक आफ्टर द बॉल, यू डू, हां, एंड लाइक फील्डर्स आल्सो, टीम को वन बाउंस थ्रो नहीं करनी अनलेस रन आउट का चांस है। अब मैं देखता हूँ यंग जनरेशन आते हैं, वो थ्रो करते हैं ऐसे, वो जनूस में ईंट मार रहे हैं। थ्रो का मतलब है एज अ फील्डर कि आप जब थ्रो करो, पहली थ्रो ऐसे जाए कीपर के पास, ऑपोजिशन को पता लगे हो दिस टीम इज स्विच्ड ऑन, ये नहीं कि तीन ठप्पों में थ्रो पहुंच रही है पहले। सो दैट्स आल्सो अ माइंडसेट। हां, जब मेरे पास बॉल आती थी हमारे दौर में कोई भी क्रिकेटर इन तमाम वकार धोनी की तरह थ्रो मारते थे, जहां भी खड़े हम, ताकि ऑपोजिशन को पता हो कि वी आर ऑन देम। ओके, लास्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन वेरी जेनरस विद योर टाइम, अभी G20 चालू है, हैव यू बीन एंजॉयिंग द वाइब्स, हू आर द प्लेयर्स वेयर यू आर लाइक, अरे ये बंदा रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल, क्योंकि कनाडा भी के भी काफी लोग हैं, हर्ष शंकर ने दो बार मैन ऑफ द मैच जीता, व्हाट आर द पीपल हु यू बीन इंप्रेस्ड बाय? कैनेडियन क्रिकेट को बड़ा फायदा होगा, बिकॉज़ तीन प्लेयर खेल रहे हैं मॉडर्न ग्रेड के साथ, कि उनकी उनका माइंडसेट क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, किस तरीके से वो खेल रहे हैं, तो बड़ा फर्क पड़ेगा। G20 ने कनाडा क्रिकेट को उठा के रख दिया है, अब ये कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड पे है कि अपने प्लेयर्स को वो किस तरीके से आगे ग्रूम करते हैं, बट ओवरऑल इट्स हैज बीन अमेजिंग, एंड आई थिंक जिस तरीके से गुरमीत एंड हिज टीम ने ऑर्गेनाइज किया विद इन स्पैन ऑफ 10 वीक्स, इट्स अ मैसिव डील, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। मैंने तो सुना कि यहां पर देयर यूज्ड टू बी कॉर्नफील्ड्स। हां, मैं देखा, and as a Punjabi to turn monkey into cricket is like another haan nahi, aur ye parson kal final ke baad ye dobara cornfield ban jayegi, aisa hai, haan, look after nahi karte aisa hai, oh my god, acha ye nahi maloom tha mujhe, haan, jab pata lag gaya na, are great, learn everything new, buddy, absolutely, Wasim sir, thank you so much, Wasim bhai, really appreciate your time, thank you so much for waiting, we ran and came and I really appreciate, I'm glad, thank you sir, thank you, all right, that was a fun chat with Wasim Akram, very yaar maine honestly socha ki 30 minute chalega, because when you are interviewing somebody you really like, time goes very very slowly, aur kisi ne आपने बताया कि 12 मिनट हुए हैं। आई होप यू एंजॉयड दैट, इफ यू डिड वसीम अकरम को जाके ट्वीट करो, इंस्टाग्राम शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर G20 फॉर हैविंग मी, हाइलाइट्स ऑफ ऑल द मैचेस आर ऑन YouTube, तो जाके देख लो, एंजॉय करो, इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स बीन अ वेरी फन टूर्नामेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मैरी मी, गुड बाय।